इस ड्रोन को देखिए, पीली पट्टी वाला ये ड्रोन और कहीं से नहीं बल्कि पाकिस्तान से उड़कर भारत की सीमा में घुस आया था। पंजाब के तरन तारण जिले में इस ड्रोन को बीएसएफ के जवानों ने शूट डाउन कर दिया। हमेशा की तरह इस बार भी पाकिस्तान के मंसूबों पर भारतीय जवानों ने पानी फेर दिया। बताया जा रहा है कि सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने तरन तारण जिला के कलश गांव के पास के क्षेत्र में पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में एक संदिग्ध उड़ने वाली वस्तु की एंट्री की आवाज सुनी थी, जिसके बाद पंजाब पुलिस के साथ मिलकर बीएसएफ की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। क्षेत्र की तलाशी के दौरान सैनिकों ने गांव खेमकरण के पास खेत से ये ड्रोन पकड़ा। इस ड्रोन के साथ पीले रंग का प्लास्टिक का एक लिफाफा बंधा था। उसे खोलने के बाद जांच करने के दौरान पाया गया कि पीले रंग के पैकेट में 3 किलो हेरोइन थी। बीएसएफ के अधिकारियों ने मामले की जांच के बाद ड्रोन और हेरोइन लोकल पुलिस को सौंप दिया। जो ड्रोन पाकिस्तान से आया वो एक हेक्साकॉप्टर है। अधिकतर पाकिस्तान तस्करी के लिए इसी ड्रोन का इस्तेमाल करता है। हेक्साकॉप्टर ड्रोन 25 किलो की सामग्री ले जाने की क्षमता रखता है और 1 मिनट में 1 किलोमीटर तक चलता है। हालांकि पहले भी कई मौकों पर पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की हरकत की गई, मगर भारतीय जवानों के आगे उससे हमेशा मुंह की खानी पड़ी। भारतीय जवानों ने हर मौके पर उसकी चाल को नाकामयाब बनाया। लेकिन एक बात जो पाकिस्तान की गतिविधियों से जाहिर हो जाती है वो ये कि तमाम बर्बादी के बाद भी वो भारत में साजिश रचने से पीछे नहीं हटता। आपका क्या कहना है बीएसएफ के इस कारनामे पर, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।